गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं एडवर्ड बॉक्स की। भाई एडवर्ड बॉक्स क्या होता है? सर आपने इंडिफरेंस कर्व तो पढ़ लिया, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व अपन ने चार प्रॉपर्टीज 11th वाली और 12th वाली थी वो अपन ने सल्टा ली, ठीक है। अब कुछ नया कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिफरेंस कर्व से लिंक करता है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की इंपॉर्टेंस क्या है, या बोले तो इंडिफरेंस कर्व कहां यूज में किया जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व, चलो एक प्रॉपर्टी और थी जो शायद आपकी वहां नहीं थी, वो थी कि इंडिफरेंस कर्व आर नीड नॉट टू बी पैरेलल। जरूरी नहीं है कि आपके इंडिफरेंस कर्व जो हो वो पैरेलल बनाए जाए। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी और आपकी नहीं एडप्ट हुई थी। आज जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है कि सर एडवर्ड बॉक्स क्या होता है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एडवर्ड बॉक्स? अब सर क्या होता है एडवर्ड बॉक्स, ध्यान समझना। कहने वो नाम बड़ा टेढ़ा है, डायग्राम बड़ा टेढ़ा है, इसे पहले बना दिया भाई। यहां नहीं बनता, 10 बार में डायग्राम बनाए। तो भाई क्या होता है एडवर्ड बॉक्स? बड़ा आसान, आप इस एजवर्ड बॉक्स का इस्तेमाल हर बार करते हैं, हर समय करते हैं। इंडियन ग्राहक तो करते ही करते, कोई करे नहीं करे। और ये आप छोटी जगह पर करते हैं, बड़ी जगह पर शर्माते हैं। क्या? छोटी जगह पर करते हैं, बड़ी जगह पर शर्माते हैं। इसको बोला जाए तो ये है बार्गेनिंग बॉक्स। ये क्या है? बार्गेनिंग बॉक्स। यानी कि दुकानदार चाह रहा है महंगा बेचूं, मैं चाह रहा है सस्ता खरीदूं। दुकानदार चाह रहा है महंगा बेचूं, मैं चाह रहा हूं सस्ता खरीदूं। तो अब दोनों किस रेट पे मानेंगे, वो रेट डिफाइन करने वाला बॉक्स कहलाता है आपका एजवर्ड बॉक्स। क्या कहलाता है? एजवर्ड बॉक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये है मोहन और ये है सोहन, दो नाम है, एक मोहन एक सोहन है। मोहन बेचारा दुकानदार है, मोहन बेचारा दुकानदार है। ये मोहन का ग्राफ, ये क्या है? इंडिफरेंस कर्व। जितना ज्यादा आगे जाएगा उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। अगर अपन बात करें पैसे की टर्म में, अंदाजा लगाता हूं, ठीक है। तो मान लो यहां पर वो बेचने में इंटरेस्टेड है 600 में, ये 650 में बेचने में इंटरेस्टेड है, वो 700 में बेचने में इंटरेस्टेड है, 750। दुकानदार है भाई, जितना महंगा बेचेगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सीधी सी बात है, जितना महंगा बेचेगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब समझना इस चीज को। ये तो हो गया दुकानदार शॉपकीपर। दूसरा है अपना कस्टमर। दूसरा कौन है? दूसरा है आपका कस्टमर। अब कस्टमर क्या चाह रहा है? कस्टमर का इंडिफरेंस कर्व देखो, कस्टमर का इंडिफरेंस कर्व उल्टा चलता है। उल्टा चलने का मतलब क्या है? 750, 700, 650 और 600। कस्टमर क्या कह रहा है? कस्टमर कह रहा है जितना सस्ता खरीदूंगा उतना ज्यादा फायदा। क्या? जितना सस्ता खरीदूंगा उतना ज्यादा फायदा कस्टमर चाह रहा है। तो कस्टमर का इंडिफरेंस कर्व ऊपर कब बढ़ता है? जब सामान की रेट कम हो, जब सामान की रेट कम होती है कस्टमर हो गया। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। आप दुकान पे गए, क्या खरीदने? सर शर्ट खरीदने गया हूं। दुकानदार ने बोला 750। क्या बोला? 750। वो कहा है? वो मैक्सिमम इंडिफरेंस कर्व पे बैठा है, 750 फुल सेटिस्फेक्शन। आप कहा हो? आप मिनिमम पे हो। आप बोले 750, भाई 750, चलो थोड़ा सा कम करते हैं, चलो आपका ना मेरा हम मान लेते हैं 600 में। दुकानदार की शक्ल देख लो, 600। अब वो 600 में क्यों नहीं मान रहा? ऑल्दो से प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि 600 का मतलब उसका सेटिस्फेक्शन मिलेगा 150 का नुकसान। फिर वो क्या बोलता है? चलो 650 तो नहीं, काम करो, चलो 700 दे दो। हटाओ, क्या दे दो? आप 700 में बात करो, कितने में करो? 700 में। क्या हुआ इससे? वो एक इंडिफरेंस कर नीचे उठा, मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन ऊपर बढ़ा। मैंने पास वाले को कर दे दो, देख 50 रुपए कम कराती मैंने, देख भाई 50 रुपए कम। क्यों? मेरा सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ा, दुकानदार का सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है। मैंने बोला नहीं यार सर 700 तो नहीं, 600 ही मैं दूंगा। बोल नहीं सर 600 में तो नहीं होगा, तब देखो थोड़ा बहुत। अच्छा चलो 650। मैंने क्या बोला? चलो सर 650 में बात पक्की करते हैं। अब वो दुकानदार मानेगा या नहीं मानेगा? अगर वो मानता है तो वो एक इंडिफरेंस का और भी क्या गया, उसका सेटिस्फेक्शन और कम हो गया, मेरा सेटिस्फेक्शन और ही बढ़ गया। ये बात है सिंपल सी बात। तो अब जो एडवर्ड बॉक्स है वो ये बताता है कि आपकी बार्गेनिंग लिमिट कहां से कहां तक जाएगी और उस बार्गेनिंग लिमिट में आपको इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा। देखो बड़ा सिंपल है, हमने क्या करा, ये उठाया मोहन, इसका ग्राफ एज इट इज ध्यान लगा दिया, ठीक है, ये आपका मोहन का है। अब उठाया सोहन, सोहन के ग्राफ को पलटा, यू घुमाया और उसको वहां लगा दिया। सोहन के ग्राफ को पलटा, यू घुमाया और उसको वहां लगा दिया, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो सोहन का ग्राफ जो है, सोहन के ग्राफ को मैंने क्या किया, सोहन के ग्राफ को एक जगह उल्टा कर दिया,
ठीक है, इसको यूं करके यूं कर दिया तो वाई एक्सिस बेचारा नीचे आ गया, एक्स एक्सिस जो है वो ऊपर आ गया, ठीक है, वाई एक्सिस जो है वो ऊपर आ गया, एक्स एक्सिस जो है वाई एक्सिस जो है वो यहां आ गया, एक्स एक्सिस वहां आ गया, हमने कुछ नहीं करा, उसके ग्राफ को उल्टा कर दिया। अब उल्टा करने से फायदा क्या हुआ, उल्टा करने से फायदा ये हुआ कि यहां पे बढ़ने से प्राइस कम हो रहा है, यहां पे बढ़ने से प्राइस बढ़ रहा है। अब जब हम जो उल्टा करते थे, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये मान लो ये आपका है बी वन, ये है बी टू, ये है बी थ्री और ये है बी फोर, ठीक है, ये ए वन, ये है ए टू, ये है ए थ्री, ये है ए फोर, ठीक है। अब ये तो भाई ए वन ए वन, ये ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ऊपर की तरफ जो है यू वाले, ठीक है, और इसका जब उल्टा हो गया ग्राफ, तो उल्टा होने की वजह से ये कैसे बन गए, ये बी वन ये बी टू ये बी थ्री ये बी फोर, ये हो गए, सिंपल सी बात है, उल्टा हो गया तो ये बी वन ये बी टू ये बी थ्री ये बी फोर उल्टे बन गए ये भाई सारे के सारे ग्राफ। अब समझना यहां कैसे इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो ध्यान समझना, अब जो ये है बी वन ए फोर, ये जो है बी वन ए फोर, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई दाम है आपका 750, ये बी वन ए फोर वाला जो पूरा कर्व है ये बता रहा है दाम है 750 रुपए, क्यों देख लो, ए फोर बी वन, ये बी टू ए थ्री जो है ये बता रहा है दाम 700 रुपए, ए थ्री बी टू, बी थ्री ए टू जो है वो दाम बता रहा है 650 रुपए और बी फोर ए वन जो है वो दाम बता रहा है 600 रुपए। इन सारे के जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है इनको जोड़ो और अपने एक लाइन बना, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पे लेता हूं, इस पॉइंट ए पे लेता हूं, तो देखो क्या हो गया, ए नंबर का पॉइंट है बी वन ए फोर, यानी कि दुकानदार मैक्सिमम सेटिस्फाइड, दुकानदार इस दाम पे इतना बेचने में इंटरेस्टेड है, कितना, इतना बेचने में इंटरेस्टेड है, और कस्टमर सिर्फ इतना खरीदने में इंटरेस्टेड है, वो इतना बेचने में इंटरेस्टेड है, वो सिर्फ इतना खरीदने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करो, यहां देखो यहां क्या होगा, इस वाले का उसके जो मैंने लाइन बनाई ना, यहां ये रहा, ठीक है, और ये पूरा ये रहा आपका काम गया, ये रहा इतना, यानी कि इतना ये वाला पॉइंट ऊपर तक यहां तक, ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका दुकानदार बी फोर ए वन, ए वन बी फोर, दुकानदार सिर्फ इतना दाम बेचने में इंटरेस्टेड है, कस्टमर जो है वो इतना सारा लेने में इंटरेस्टेड है। तो अब बार्गेनिंग कैसे की जाती है वो ध्यान से समझना, जैसे ही आप रेट गिराते हैं और सामने वाला बंदा रेट बढ़ा, जैसे ही आप रेट गिराते हैं और सामने वाला बंदा रेट बढ़ाता है, तो इंडिफरेंस कर्व में चेंज आता है, क्या होता है, तो आपके इंडिफरेंस कर्व में चेंज आता है। जैसे ही आपने उसको 50 रुपए गिराया, तो उसका इंडिफरेंस कर्व नीचे गिर गया और आपका इंडिफरेंस कर्व ऊपर बढ़ गया। जैसे ही आपने 50 रुपए गिराया, आपका इंडिफरेंस कर्व नीचे बढ़ गया, उसका इंडिफरेंस कर्व ऊपर बढ़ गया, यानी कि अब अगर मैं यहां ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो शॉपकीपर खुश है, यहां नीचे की तरफ आ रहा हूं, ये मान लो काम कम भाई इसको बैठा देना, हाँ, यहां अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो कस्टमर खुश है, ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो शॉपकीपर खुश है, क्योंकि ये ए वन ए टू ए थ्री ए फोर कस्टमर, इसका सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है और उसका सेटिस्फेक्शन गिर रहा है। नीचे की तरफ आता हूं तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, सेलर का या शॉपकीपर का सेटिस्फेक्शन जो है वो गिर रहा है। तो अब आपकी जो बार्गेनिंग है वो इन चार पॉइंट पे होती है, ठीक है। तो आपकी बार्गेनिंग क्या है, वो इन चारों पॉइंट पे डिफाइन होती है, एक दो तीन चार। अब भाई आप जितने केपेबल हैं उतनी ज्यादा बार्गेनिंग कर लो, जितने कम केपेबल हैं उतना ज्यादा कस्टमर शॉपकीपर आपको ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। शॉपकीपर चाहता है कि मैं नीचे ना गिरूं, आप चाहते हो कि आप ऊपर बढ़ो, दोनों की ईगो के कमाल आ गई, वो चाहता है कि मैं नीचे ना गिरूं, आप चाहते हो कि आप ऊपर बढ़ो, तो ऐसे में क्या करते हैं शॉपकीपर, ऐसे में शॉपकीपर करते हैं, पहले ही उन्होंने इतना बड़ा दाम बता दिया कि वो भले इस पर खरीद लिया ना तो चांदी चांदी 200 के माल पे 2000 मिल गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कराओ, मैंने 2000 रेट बताइए, वो बिकता मार्केट में 800 रुपए पे, कराओ कितना बोला 2000 का सर, अब आप उसका स्टॉक शॉपकीपर ने आपको 2000 बताया तो आप उसको इतने बोलोगे सर 300 में ले रहे हो, आशी का बोला चल 1000, नहीं सर 1000 नहीं सर, चलो सर 1700 में ले लो, वो तभी फायदे में बैठा है, आप नहीं करके 1300 माए तो वो तो इंडिफरेंस कर उसका सातवां था, आपका पहला था, आप दो पे आए वो 7-6 पे आ गया, तो यानी कि यहां क्या है, यहां गड़बड़ है कि भाई
कहां पे आप बार्गेनिंग करेंगे। तो ये फोर पॉइंट्स ऑफ बार्गेनिंग आपको दे दिए, जो कि एजवर्ड बॉक्स बनाता है दो अलग अलग पार्टीज के म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन को देखकर, ठीक है ना। तो ये आपका बार्गेनिंग बॉक्स है, देखो जितना ऊपर जाओगे शॉपकीपर खुश रहेगा, जितना नीचे आओगे आप खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये एक यूज है इंडिफरेंस का आपका, कि एजवर्ड बॉक्स बनाने में इंडिफरेंस का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे हैं, सब्सिडी डिसाइड करने में, प्राइस डिसाइडिंग करने में, और भी कई सारे टैक्स डिसाइड करने में भी आपका इंडिफरेंस का जो है वो काम आता है, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मेक श्योर कि आप इस एजवर्ड बॉक्स को ध्यान से समझें क्या है कॉन्सेप्ट। कल फिर अपन नए टॉपिक के साथ आएंगे, नई वीडियो लेकर आएंगे, शायद नया टॉपिक है, नया चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।